चलो गाइस, काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आज कल भाई, तो भाई बहुत बिजी चल रहा था मैं, तो ये मेरा बेटा है चितवन, तो थोड़ा सा फैमिली के अंदर इन्वॉल्व थे, थोड़ा सा वह था, जब भी वीडियो बनाने बैठता था भाई उसी टाइम कोई ना कोई इमरजेंसी केस आ जाता था। अभी भी एक वीडियो प्लान कर रहा था तो भाई ये आगे मल्टीज की उसी दे रहे हैं, तो ये भाई बच्चे आप देख सकते हो, ये तीन पपीज दिए हैं मल्टीज ने, थ्री पपीज ये अभी हमने इंक्यूबेटर में डाल रहे हैं। तो आए बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं भाई, शिवम, अभिषेक चौधरी कैनल, करावड़ी, आशीष शर्मा जी पेट कैनल, दीप जी मेरा, हाय कैसे हो सब लोग। तो भाई ये बेचारी, ये इसका बेबी जो है इस पर के, अभी मैं एक वीडियो शूट करने लगा था तो इमरजेंसी उनका सिजेरियन आ गया, तो अभी जस्ट सिजेरियन करके हटा था, तो ये अभी इसके पपीज हुए हैं इस लड़की के। लव यू गाइस, लव यू, लव यू, लव यू, बहुत सारे लोग जुड़ गए भाई। आयुष कैसे हो भाई, बिग फैन, ओहो थैंक यू भाई, थैंक यू। तो ये देखो भाई, ये पपीज देखो, ये देखो छोटे छोटे बच्चे, मेरी बेटी भी देख के खुश हो रही है इनको, ये देखो छोटा सा बेबी, ये देखो एक और बच्चा देखो, एक एक और पपी है, इसमें दो मेल हुए और एक फीमेल है। अमन कैसे हो भाई, योगेश सहगल कैसे हो भाई, लेक्सी जर्मन शेफर्ड, वाओ। तो गाइज अपना थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि फ्रिक्वेंटली वीडियोस बनाई जाएं, तो आज मेरा लाइव आने का मोटिव ये था कि आपने मुझे गाइड करना है किस किस टॉपिक का वीडियो चाहते हो। एक्चुअली क्या सीन है कि यार मैं जब पेट केयर पे वीडियो डालता हूँ तो लोग कहते हैं ब्रीडिंग पे वीडियो डालो, ब्रीडिंग पे डालता हूँ तो लोग पेट केयर के लिए कहते हैं, तो भाई तुमने सजेस्ट करना है सभी ने, जो जो लाइव है सब ने सजेस्ट करना है कि भाई कौन से टॉपिक में वीडियो बनाई जाए। और अरे तू क्यों, तू तो बंद कर दे फिर हमारा बंदा भी लाइव देख रहा है, मुझे भी देख रहा है, भगवान सहाय, लव यू, लव यू डेयर, लव यू। ब्रीडिंग पे दे, ब्रीडिंग पे भाई बताओ क्या क्या टॉपिक कवर करना चाहते हो, तो भाई वो टॉपिक हम करेंगे कवर। मैं देखा, ये देखो भाई ये है हमारी छोटी, मैं घर पे जब वापस आता हूँ अपने काम कुम करके तो ये मुझे कोई काम नहीं करने देती। हाय करो, हाय गाइस बोलो गाइस ये शर्मा रही है भाई। हाँ पपी तैयार करने पे भाई वीडियो बनाएंगे, तो अभिषेक जी हमारे साथ हैं, एक बड़े अच्छे, मतलब इनको 25 साल का एक्सपीरियंस है। अभिषेक जी कुछ बच्चों के लिए कुछ टिप्स दो यार, बच्चों को बोलो बोलो कैसे करते हो, आपके बच्चे बड़े बढ़िया क्वालिटी के होते हैं, तो थोड़ा सा टिप्स दो यार लोगों को। सर थोड़ा तो जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है, हाँ, और बाकी मैं तो फिर काफी लोग मुझे कहते हैं कि क्या बात आपने पेड प्रमोशन की है, मैं तो कैनोविटा का फैन हूं सर, जब से मैंने कैनोविटा शुरू करी है मैं और कोई मल्टीविटामिन यूज नहीं कर रहा सर, मदर को भी वही देते हैं और प्रेगनेंसी में भी वही दे रहा हूं, बहुत बढ़िया चल रहा है उसका ना। चलो बहुत बढ़िया, नहीं कुछ फीमेल को जैसे डाइट देते हो तो रॉयल कैनिन चलता है सर? हाँ जी सर, एटलीस्ट जब तक पपीज इसका मिल्क ले रही हैं तब तक, तो अगर कोई बाद में बदलना चाहे तो बदल सकता है, तब तक तो एटलीस्ट एक महीने तक तो फर्स्ट रॉयल कैनिन ही रहेगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी रॉयल कैनिन ही देते हैं सर, और जो बच्चे तैयार करते हैं वो भी रॉयल कैनिन ही देते हैं सर। भाई एक आपको मैं थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, विशाल गोयल कैसे हो भाई, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ भाई, इस टाइम पार्वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चल रहा है, तो जिन लोगों ने अपने डॉग्स की वैक्सीनेशन नहीं करवा रखी तो भाई वैक्सीन जरूर से जरूर करवा लो, इतनी ज़्यादा भीड़ लगी पड़ी है पार्वो वाले डॉग्स की, जिनके घर लीटर हो रखे हैं भाई अगर नहीं भी बिक रहे उनकी वैक्सीन जरूर से जरूर करवा लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। फीमेल मिल्क इन्फेक्शन मैंने सोच रखा है भाई ये वाला टॉपिक, प्रोजेस्टोन, प्रोजेस्टोन पे ऑलरेडी मेरी बहुत सारी वीडियोज़ है। एसाइटिस तो यार देखो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, थैंक यू भाई, थैंक यू योगेश।
तो गाइस आज आने का पर्पज़ यही था, जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं इसके अंदर वीडियो के अंदर, भाई टॉपिक सजेस्ट करो, अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है बच्चों को तैयार करने वाली, और एक प्रेगनेंसी के अंदर जो इंजेक्शन वाली वीडियो मेरी ऑलरेडी क्यू के अंदर है वो हमने बनानी है, और एक अबॉर्शन पे जो मैंने अभी पीछे वीडियो डाली परसों जो अबॉर्शन वाला, वो था एक सिर्फ एक मैंने आपको प्रीव्यू दिया था कि ऐसे ऐसे अबॉर्शन हो जाता है फीमेल के अंदर, तो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसके रीज़न क्या होते हैं और हम क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, वो बेसिकली प्रेगनेंसी और ये वाली सारी रिलेटेड ही वीडियो है, तो उसमें हमने देखने को मिलेगा हमारे को सारा कुछ। छोटा राजा लैब्राडोर को दिखा देंगे भाई, वो तो हमारे रेगुलर क्लाइंट है भाई। कैनल दिखाऊं? कैनल तो भाई देखो वो थोड़ा सा, मैं डॉग क्लिनिक को दिखाऊंगा आपको यार, आप तीन चार डॉक्टर्स के साथ पास जाके और फिर वहां पे करेंगे। मैडम मैं नया आया हूँ, कैसे आप सर? विशाल गोयल शाउट आउट आयुष। ये देखो ये एक्साइटेड हो रही है बच्चों को देखने के, छोटा भी लेना आपने तो काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विश्वजीत कैसे हो? विश्वजीत गाजियाबाद से। तो गाइस अब फ्रिक्वेंटली वीडियो आती रहेंगी, आपकी जो शिकायत थी कि वीडियो काफी दिन नहीं आते, थोड़ा सा यार फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी कुछ सारा, तो इसलिए यार कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही थी। अब मैं सोच रहा हूँ कि हफ्ते में एक दो वीडियो जरूर डालूँ, तो सीजर्स पे डालूंगा भाई वीडियो में, सीजर के लिए एक बढ़िया वीडियो बनाएंगे। बल्कि अभी एक अपने जो से वो फ्रेंड्स फॉर योर वाले चैनल वाले हैं, उन्होंने भी मेरा इंटरव्यू लेके गए थे, उसमें भी मैंने उसके बारे में बताया था, तो वो भी वीडियो देखना। थिक डिस्चार्ज फीमेल को मेटिंग करवाए 25 दिन हो गए, फीमेल थिक डिस्चार्ज कर रही है। भाई संधू भाई इसको जो ये फीमेल थिक डिस्चार्ज कर रही है, ये डिस्चार्ज का कलर क्या है उस पर डिपेंड करता है। अगर वॉटरी डिस्चार्ज कर रही है तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती भाई, जब अगर डिस्चार्ज ब्लैकिश कर रही है या कुछ रेड कलर का कर रही है तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो अगर मतलब क्लियर डिस्चार्ज हो रहा है तो वो तो बल्कि कंसेप्शन की निशानी होती है। तो ये भी एक टॉपिक है, इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्चार्जेस से हमारे को क्या क्या चीज़ें पता लगती हैं। मैं अब अपने बच्चों को दिया ढक यहाँ पे, तो गाइस आज बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। डॉग को एक सर्टेन एज में आकर मेंटेन कैसे रखें, मतलब आप ओल्ड एज के डॉग के लिए पूछ रहे हो क्या? मतलब पूरा लैब्राडोर 7 पपीज, भाई पपी डीपी वैक्सीन आप 27 डेज पे भी कर सकते हो, और उससे पहले डिवर्मिंग कर लो एक दो दिन पहले, उसके बाद आप वैक्सीनेशन कर सकते हो बच्चे की, और सेकंड शॉट आप अपना 45 डेज पे। देव जी मेहरा जी बताइए, चलो गाइस आज मैं ये लाइव वीडियो यहीं बंद करता हूँ। थोड़ा सा ये अभी टॉपिक को थोड़ा सा इनको समझाना है कि कैसे इसको मेंटेन करना है, एंटीबायोटिक्स कौन सी चलानी है, तो आता रहूँगा मैं अब लाइव और वीडियोस भी फ्रिक्वेंटली डालूंगा। तो भाई सारे जगह अपने वीडियोजों से अच्छी अच्छी वीडियो है, सारे अपने यूट्यूब चैनल अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर किया करो भाई, थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ाओ, 7-8 हज़ार रह गए, सिल्वर प्लेटन लेके आओ भाई, ठीक है ना? बिल्कुल फ्यूचर है भाई डॉग ब्रीडिंग का, अब जो से छोटके पुटके वाला सिस्टम था वो सब खत्म हो चुके, नेक्स्ट ईयर से देखना बहुत अच्छा सिस्टम रहेगा। और देखो सभी सेलिब्रिटीज डॉग ले रहे हैं, वो हमारे को इनडायरेक्टली प्रमोट ही कर रहे हैं इसे। ये गाइस मैं अभी बाबा रामदेव जी से भी मैंने अपॉइंटमेंट ले रखी है, उनसे मिलने जा रहा हूँ मैं, उनको मेरा पूरा कोशिश रहेगी कि कन्विंस करूँ कि डॉग पे एक बात बोले। अगर बाबा रामदेव जी ने बोल दी डॉग पे कि अगर डॉग रखना अच्छी बात है तो भाई बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, तो वो मैंने एक पूरा का पूरा तैयार कर रखा है, उनसे मैंने अपॉइंटमेंट ले रखी है,
तो दो चार दिन में जैसे ही उनके साथ जाऊंगा मैं उनसे डिस्कस करूंगा इस चीज़ को लेके कि क्या डॉग को रखने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। चलो ठीक है भाई, फिर गुड नाइट, लव यू ऑल, थैंक यू भाई जो इतने सारे लोग जुड़े मेरे साथ, थैंक यू भाई, थैंक यू। अब ये भाई बंद कहाँ से होगी, ये भी